नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ साक्षी गर्ग। तो शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों से। मंगलवार को सुबह रिंग रोड स्थित अलग अलग कपड़ा बाजारों में फायर सेफ्टी के अभाव में हजार से अधिक दुकानों को दमकल विभाग ने सील कर दिया। कपड़ा बाजार में दमकल विभाग की बड़ी कार्रवाइयों से हड़कंप मच गया एवं कपड़ा बाजारों ने पदाधिकारियों ने सील खुलवाने के लिए मनपा सेंट्रल जोन एवं दमकल विभाग ने भागदौड़ शुरू कर दी है। गौरतलब है कि चीफ फायर ऑफिसर की ओर से साल भर पहले ही कपड़ा बाजारों को फायर सेफ्टी के सुसज्ज करने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कई कपड़ा बाजार फायर सेफ्टी लगाने को लेकर उदासीन थे। चीफ फायर ऑफिसर वसंत पारेख के निर्देश अनुसार सुबह फायर सेफ्टी के जवानों ने अलग अलग 8 कपड़ा बाजारों में हजार से अधिक दुकानों को सील किया। फायर ब्रिगेड की टीमों ने फायर सेफ्टी के अभाव में जिन कपड़ा बाजारों में दुकानें सील की उनमें अंबाजी मार्केट की 650 दुकानें, न्यू अंबाजी मार्केट की 80 दुकानें, सुदन हाउस की 100 दुकानें, शंकर मार्केट की 110 दुकानें, मनीष मार्केट की 200 दुकानें, वखारिया टेक्सटाइल मार्केट की 40 दुकानें, गौतम टेक्सटाइल मार्केट की 80 दुकानों को सील किया। आज की खास खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।